नमस्कार, मंगल देव करने जा रहे हैं अपना राशि परिवर्तन। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये खुद के ही घर में प्रवेश करेंगे इस राशि परिवर्तन के द्वारा। जी हाँ, मंगल देव 23 तारीख को, 23 दिसंबर 2020 को मेष राशि जो कि मंगल देव की खुद की राशि, खुद का ही घर होता है, इसमें प्रवेश करेंगे। और 23 दिसंबर 2020 से लेकर के 21 फरवरी 2021 तक, यानी करीब करीब 2 महीने मंगल देव अपनी खुद की राशि, अपने खुद के घर मेष राशि में ही रहने वाले हैं। आप सभी के लिए मेष राशि में मंगल देव का जाना क्या प्रभाव लेकर के आया है, क्या राशिफल, क्या आपका भविष्य फल होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेष से लेकर के मीन तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आप समझें कि आपके लिए ये वक्त, ये राशि परिवर्तन कैसा जाने वाला है। सबसे पहले मेष राशि के जातकों से शुरुआत करते हैं। यदि आपकी राशि मेष है तो एक बात समझिए कि चूंकि भाई मेष राशि में ही मंगल देव आ रहे हैं, आप तो ये समझिए कि भगवान श्री राम जो है अपने घर अयोध्या आ रहे हैं। जो उत्साह हुआ था, जो खुशी हुई थी, जो सफलता मिली थी अयोध्या वासियों को, आप वही समझिए, वही सफलता आपको मिलने वाली है। वही उत्साह, वही उमंग, वही खुशी और वही उन्नति आपको मिलने वाली है। जो भी आप कार्य करते हैं, मुझे आपके सारे कार्यों में उन्नति दिखती है। आपका स्वास्थ्य मजबूत दिखता है, पढ़ाई करते हैं तो उस विषय में मुझे आपके लिए अच्छा ये वक्त नजर आता है। डिसीजन मेकिंग पावर खासतौर पर इस बीच में स्ट्रांग होने वाला है। आपको जो है, जो लंबे वक्त से कार्य रुके हुए थे, वो कार्य यहां पर पूरे होने के सफलता के साथ, पूरे होने के और खुशी के साथ, उत्साह के साथ, उन्नति के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। बहुत अच्छा वक्त है मेष राशि के लिए। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं तो भाई स्थानांतरण होगा, खर्च के ज्यादा योग बनेंगे, फिजूल खर्च से बच के रहिए, अदरवाइज लॉस में आप आ सकते हैं। क्रोध, गुस्सा, चिढ़ भी ज्यादा बन सकता है, तो इस बात का जरा ध्यान रखें। स्थानांतरण जो होगा, हालांकि वो सफलता के साथ होगा, आपका स्थानांतरण आपको सफलता जरूर दिलवाएगा, तो इस बात से निश्चिंत रहें कि स्थानांतरण कहीं गड़बड़ ना हो। वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं तो लाभ के योग हैं, उन्नति के योग हैं, यात्राओं के योग भी हैं। यात्राएं आपको सुख और सफलता दिलवाने वाली होंगी। आप जो भी कार्य करते हैं, उन सारे कार्यों में आपको उन्नति, सफलता जरूर से देखने को मिलेगी, लेकिन एक केवल नेगेटिविटी यहां पर मुझे दिखती है, क्रोध, गुस्सा, चिढ़ आपका इस बीच में बढ़ने वाला है। हो सकता है तनाव भी आपका बढ़े, तो इस चीज पर केवल काबू रखने की जरूरत है, अदरवाइज मिथुन राशि के लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। मिथुन के बाद कर्क राशि की बात करते हैं तो नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। लंबे वक्त से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, यहां पर नौकरी लगने के योग दिखते हैं, सफलता के योग दिखते हैं। चाहे जो भी कार्य आप करते हैं, उन्नति, सफलता के योग मुझे यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। भूमि खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं और आपको लाभ भी मिलेगा, तो बिल्कुल आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, भूमि में या शेयर मार्केट में पैसा भी लगा सकते हैं। उन्नति के, लाभ के योग हैं। सिंह राशि की बात करूं तो एक शब्द कहना चाहूंगा, भाग्य वृद्धि। भाई भाग्य वृद्धि का मतलब क्या, जो भी आप कार्य करना चाहते हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यवसाय करते हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के परेशान थे और स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हो, जिस भी प्रकार का कोई लक्ष्य है आपका, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, उन सारे कार्यों में सफलता मिले, तभी तो भाग्य वृद्धि हुई। ओवरऑल पारिवारिक, आर्थिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मुझे ये आप सब, आपकी स्थिति इस समय अच्छी बनती हुई नजर आती है, भाग्य में वृद्धि होती हुई नजर आती है। सिंह के बाद कन्या राशि की बात करें तो भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चिंता तनाव की स्थितियां भी गड़बड़ हो सकती है। लंबी बीमारी यदि कहीं है तो उसका भी ध्यान रखने की खास जरूरत है। वाद विवाद की स्थिति में आप फंस सकते हैं, जिसपे भी आपको काबू रखने की जरूरत होगी। हालांकि आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, धन की स्थिति, आय की स्थिति, खर्च की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं दिखती, आर्थिक दृष्टिकोण से आप मजबूत रहेंगे। कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं तो भाई विवाह के योग बनते हुए नजर आते हैं। प्रेम प्रसंग भी, प्रेम संबंध भी बन सकते हैं, और विवाह ना हो तो विवाह तय हो जाए, या फिर विवाह तय होने की शुरुआत हो जाए, या सगाई तय होने की शुरुआत हो जाए, ऐसा इस बीच में हो ही जाएगा पक्का। मतभेद के योग है, मनभेद के भी योग बनते हुए नजर आते हैं। क्रोध, गुस्सा, चिढ़ इस बीच में आपको ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, यदि कोई आपने योजना बना करके रखी थी, कोई प्लानिंग बना करके रखी थी, तो उसमें मुझे आपकी सफलता दिखती है।
तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं, तो आपके लिए भी एक बात कहूंगा जो कन्या राशि के लिए कही थी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको ज्यादा यहाँ पर जरूरत है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्थानांतरण होता हुआ नजर आता है, यह स्थानांतरण आपकी सफलता के साथ होगा, तो स्थानांतरण को लेकर के डरे ना, चिंता ना करें। खर्च के योग जरूर है, अपने खर्च पर काबू रखें, लेकिन आय इनकम प्रॉपर होती रहेगी, आय को लेकर कोई टेंशन नहीं है। नौकरी व्यवसाय आपका अच्छा चलता रहेगा, लेकिन खर्च ज्यादा हो इस चीज से बच के जरा रहें। वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करते हैं, तो भाई डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होगा, जो भी निर्णय लेते हैं निर्णय लेने की क्षमता में आपको विकास देखने को मिलेगा, उन्नति सफलता के योग दिखते हैं। खास तौर पर यदि आप स्टडी करते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, यदि आप कहीं रिजल्ट देने जा रहे हैं, सफलता मुझे दिखती है, बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए भी। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं, तो भाई आपके लिए नौकरी लगने के योग मुझे यहाँ पर दिखते हैं। नौकरी लगने के साथ साथ शेयर में निवेश भी आप कर सकते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट यदि करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में भूमि में पैसा लगाना चाहते हैं, यदि ऑलरेडी व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय में भी कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, सफलता दिखती है यहाँ पर, उन्नति सफलता खुशी उत्साह के योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। मगर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं, तो भाग दौड़ इस वक्त ज्यादा लगेगी, मेहनत ज्यादा लगेगी, आपको ये लग सकता है कि यार काम मुझसे बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, वो आपकी कंपनी के द्वारा हो सकता है, वो आपके बिजनेस के द्वारा हो सकता है, वो आपके घर के द्वारा हो सकता है, वो आपकी किस्मत के द्वारा हो सकता है, लेकिन काम ज्यादा लिया जाएगा, मानता हूं इस बात को, भाग दौड़ रहेगी, मानता हूं इस बात को, लेकिन आपको लाभ भी मिलने वाला है, आपके भाग्य में बढ़ोतरी भी होने वाली है, तो मेहनत ज्यादा करिए, सफल बनिए, केवल इतनी सी बात है, तो कोई बहुत सीरियस बात नहीं है, आप मेहनत से परेशान ना हो। कुंभ के बाद मीन राशि की बात करते हैं, तो भाई धन में वृद्धि होती हुई नजर आती है, उत्साह में वृद्धि होती हुई नजर आती है, सफलता मिलती हुई दिखती है, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं, सफलता मुझे मिलती हुई नजर आती है, लेकिन एक बात जरूर दिखती है, वो ये कि ईगो बढ़ता हुआ नजर आता है, अहम बढ़ता हुआ नजर आता है, घमंड बढ़ता हुआ नजर आता है। भैया ईगो क्रोध घमंड को बढ़ने ना दें, उसे जरा काबू में रखें, अदरवाइज आपकी स्थिति अच्छी। भाई ईगो कब बढ़ता है, तभी बढ़ता है जब सारे दृष्टिकोण से आप उन्नति करते हैं, तो थोड़ा सा अपने ईगो पर, अपने घमंड पर, अपने क्रोध पर काबू रखने का प्रयास करें। ऑब्वियसली ये कोई बहुत लंबा नहीं रहने वाला ईगो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भी 15-20 दिन एक महीने का भी बनता है, तो उससे काबू रखना चाहिए, क्योंकि उस बीच में कुछ ना कुछ बिगड़ सकता है। भाई आज की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन आज लिया गया कोई ईगो में डिसीजन कल चल के परेशान खड़ी कर दे, तो उस चीज का जरा ध्यान रखें, अदरवाइज आपके लिए वक्त बहुत अच्छा है। मेष से लेकर के मीन तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैंने आपको बताया कि मंगल देव का मेष राशि में प्रवेश, खुद के घर खुद की राशि में प्रवेश, मंगल देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा होने वाला है, मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आप सुनना चाहता हूं, नमस्कार।